हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट अनमार्केट में आपका स्वागत है। हम स्टडी पॉइंट अनमार्केट के अंदर मेडिसिन की क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर है 3 पार्ट हो चुके हैं और चौथा पार्ट चल रहा है, जिसके अंदर अपने आज बात करेंगे स्वस्थ पशुओं और बीमार पशु के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के शारीरिक की लक्षण होते हैं उनकी बात करेंगे। स्वस्थ पशु और बीमार पशु होते हैं पशुओं के विभिन्न शारीरिक की लक्षण। ठीक है, सारे की लक्षण की बात करेंगे, जिसके अंदर अपने पहला लक्षण देखते हैं तो भूख। स्वस्थ पशु आ गया, बीमार आ गया। ओके, और ये लक्षण इसके अंदर पहला एक नंबर पर बात करेंगे हमें भूख। भूख जो स्वस्थ पशु का ना उसके भूख क्या होगी, सामान्य होगी। इसकी क्या होगी, कम होगी या फिर बंद कर देगा चरना, क्या कर देगा, बंद कर देगा चरना। इसके बाद अपनी बात करते हैं दो नंबर की बात करेंगे तो पानी पीना। इसके अंदर क्या होगा, सामान्य होगा, इसके अंदर क्या कर देगा, कम कर देगा। ओके, इसके बाद अपने 3 नंबर की बात करेंगे दूध उत्पादन। दूध उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, सामान्य होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, उसके बाद अपने 4 नंबर पर बात करेंगे जुगाली करना। इसके अंदर का क्या करेगा, खूब जुगाली करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, कम करेगा या बंद कर देगा। बीमार पशु होगा ना उसकी क्या होगा, जुगाली बंद कर देगा और सामान्य होगा उसकी ज़्यादा करेगा। उसके बाद अपने बात करते हैं शरीर की जो शरीर की स्थिति है शरीर का, वो किस प्रकार होगा। शरीर जो स्वस्थ पशु होगा ना उसका क्या होगा, शरीर होगा सामान्य होगा। शरीर स्वस्थ पशु का क्या होगा, सामान्य होगा, और जो बीमार पशु हो जाएगा उसका क्या होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर के अंदर बात करते हैं अपने चाल की, पशु चलता है उसकी स्थिति क्या होगी, चलने की स्थिति क्या होगी चाल की, तो इसके अंदर क्या होगी, सामान्य होगी। इसके अंदर क्या होगी, सामान्य स्थिति होगी और सामान्य स्थिति होगी और इसमें क्या होगा, पशु क्या करेगा, धीरे या मुश्किल से चलेगा, धीरे या मुश्किल से चलेगा। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर के अंदर अपने बात करते हैं पशु की सिर की। सिर ये पशु होगा वो अपना सिर किस स्थिति में रखेगा, इसके अंदर क्या होगा, सामान्य स्थिति में रखेगा और इसके अंदर क्या होगा, नीचे झुका के रखेगा। इसमें नीचे झुका के रखेगा। ओके, ये 7 पॉइंट नोट कर लिए होंगे आपने। उसके बाद अपने बात करेंगे आंखों की।
उसके बाद बात करेंगे आप उम्र आम की स्थिति। आंख की स्थिति कैसे रहेगा, इसमें क्या होगा, पूरी खुली रहेगी, और इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, बंद रखेगा आंखें, या इसके अंदर क्या होगा, पूरी बंद होगी या मतलब आधी खुली भी होगी। ओके, पूरी बंद या आदि खोली होगी। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं नौ नंबर लक्षण के। नौ नंबर लक्षण के अंदर क्या होगा, कान होंगे, कान क्या होंगे, कान की बात करते हैं, कान के अंदर क्या होगी, इसके अंदर क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, सामान्य होगा, और इसके अंदर क्या होंगे, लटके हुए। लटके हुए होंगे या लटके हुए होंगे या अपने मान सकते हैं भी कम ही जाएगा, कम ही लाता है इसके अंदर, मतलब सामान्य होगी। काट क्या होगा, पशु कई बार करते हैं ना, जो सीढ़ी लाता है दुकान वगैरह जो भी लाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, सामान्य ही लाएगा, इसके अंदर क्या होगा, नहीं लाएगा, प्लस लटके हुए रहेंगे। उसके बाद अपनी बात करते हैं मुंह की, उसके बाद बात करते हैं दस नंबर की मुंह की, इसके अंदर क्या होगा, सामान्य होगा, इसके अंदर क्या होगा, असामान्य होगा, इसके अंदर बीमार पशु वाला उसका क्या मान सकते हैं कि बीमार पशु के अंदर लार गिरती रहेगी, बदबू आएगी, उसके बाद अपने बात करते हैं नाक की, नाक की जो स्वस्थ पशु का ना उसमें क्या होगा, नॉर्मल डिस्चार्ज होगा, नाक से जो स्त्राव होगा ना वो नॉर्मल होगा, नाक से जो स्त्राव होते हैं, जैसे पानी कई लोगों के पानी वगैरह पड़ता रहता है, वो क्या होगा, सामान्य होगा, और इसके अंदर क्या होगा, खराब होगा, इसके अंदर मतलब जैसे कई उसमें मतलब बीमार हो जाता है, उसके क्या होता है, जैसे पानी जैसे लार से टपकी रहती है, और वो क्या होगा, असामान्य होगा। इसके अंदर क्या मान सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा अभी नाक के नाक होता है पशु का, उसके अंदर वो क्या होता है, ये पशु का ये नाक होता है ना, उसके अंदर ऊपर नाक के ऊपर ये ऐसे ऐसे मतलब पानी की बूंदे होती है, अगर पशु स्वस्थ होगा ना तो उसके वो पानी की बूंदे मतलब ऐसे दिखाई देगी, और अस्वस्थ होगा ना उसके कुछ नहीं होगा, एकदम मतलब सूखा हुआ ऐसे दिखाई देगा। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं गोबर की, बारह नंबर गोबर की, गोबर कैसे होगा, इसके अंदर क्या होगा, मिसमान्य गोबर करेगा, अर्ध ठोस होगा ना वो गोबर करेगा, अर्ध ठोस या सामान्य, इसके अंदर क्या होगा, कठोर, कठोर करेगा। ओके, इसके अंदर क्या होगा, कठोर गोबर करेगा या गोबर करने में कठिनाई होगी। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं मूत्र की, नंबर मूत्र की, मूत्र के अंदर क्या होगा, हल्का पीला होगा, इसके अंदर क्या होगा, गहरा पीला होगा, ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं चौदह नंबर की, जो लास्ट है वो होती है पूंछ की स्थिति, पूंछ की स्थिति क्या होगी पशु की,
उसके बाद अपन बात करेंगे 14 नंबर पूंछ, पूंछ की स्थिति क्या है, पूंछ की स्थिति, पूंछ की स्थिति क्या होगी, इसके अंदर जल्दी जल्दी हिलाता है पूंछ है ना, वो इधर उधर हिलाएगा, हिलाता है पूंछ, हिलाना पूंछ इधर उधर हिलाएगा ऐसे, ठीक है। और जो ऐसा मैंने बीमार पशु का ना, वो क्या करेगा, कम हिलाएगा, कम हिलाएगा, ओके। ये क्या है, ये उसके वो भी एक अपने 15 नंबर वो भी मान, 15, 16 और 17 ये तीन क्या मान सकते हैं, तापमान अपने माने तो वैसे बुक में शायद नहीं है, तापमान हो गया और पल्स दर हो गई और सब सुंदर हो गई। इसमें तो तीनों क्या होंगे, समान नहीं होंगे, ओके। इसके अंदर अपने मान लें तो क्या होगा, या तो टेम्परेचर कम होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ओके। इसमें और ये तीनों मान लो कि कम ज्यादा होगा, क्योंकि जो स्वस्थ पशु होगा उसका टेम्परेचर समान रहेगा और पल्स दर भी समान होगी और श्वसन दर भी समान होगी, और अस्वस्थ होगा उसमें समान कम होगा, या तो टेम्परेचर या ज़्यादा होगा, और या तो पल्स दर कम होगी या ज़्यादा होगी, या श्वसन दर कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। ये मतलब स्वस्थ और बीमार पशु के अंदर अंतर है, ये पता लगाना होता है कि किस पशु में किस प्रकार से पता चलता है, ओके। थैंक यू दोस्तों, आज अपने फोर्थ पार्ट की है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और स्टडी पॉइंट के अंदर सब्सक्राइब और लाइक करें।